तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं एक आयरन फार्म, जिससे कि हमें कितने आयरन मिलेंगे वो मैं पता नहीं है एक घंटे के अंदर। पर मैंने एक पूरी की पूरी जिस आयरन फार्म की वीडियो देखी वो पूरी वीडियो नहीं देखी, इसलिए मेरे को पता नहीं है। पर आप हमारे वीडियो पूरी देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ना। और हमने बनाया था पिछले वाली वीडियो में ये दिया, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा लग्जरी है। उसके अंदर एक टीवी है, एक फ्रिज, मतलब कि फ्रिज क्या रहे, एक अलमीरा है, वगैरह वगैरह। और अब हम जल्दी से चलते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पिछले वाली वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा धमाल है और बोनस भी है। आपको अगर दिवाली में कुछ नहीं बनाया है तो आप दिवाली जाने के बाद में भी बना सकते हो भाई। दिवाली जरूरी थोड़ी ना है कि दिवाली में ही बनाओ। और ये दिया बहुत कूल दिखने में कूल है। पर अब हम जल्दी से चलते हैं और बाकी का सामान मैं घर से लेके आता हूँ। ओके गाइस, तो हम पहुंचने वाले हैं अपने घर पे। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को तो लाइक कर देते होंगे, मेरे को तो इतना विश्वास है कि आप लाइक करते तो होंगे। पर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरे कंटेंट्स भी बढ़िया लगते हैं, तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई? तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं सारे सामान लेने के बाद में। तो ओके गाइस, मैंने सारे सामान ले लिए, कैटेगरी वगैरह वगैरह, तो जो भी चाहिए वो ले लिया है। तो अब हम जल्दी से चलते हैं, एक इनको मार देते हैं पहले। आओ भाई, तुम आपको प्रसाद बांटते हैं पहले। ओके गाइस, हमने इन सबको, मतलब कि इन सब में से एक को मार दिया है। अरे भाई मार डालोगे मेरे को तो। ओके आश, तो गाइस हम मिलते हैं एक, मतलब कि एक बेस बना के, जहाँ पे हम अपना आयरन फार्म बना सके, जिसके अंदर से कितना आयरन मिलेगा वो पता नहीं। ओके तो बेस बना के मिलते हैं। तो गाइस हमने बना लिया एक बेस, जिसके अंदर से आपको कैसे करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, कुल आपको ऐसे ही 10 ब्लॉक्स लगा देने हैं। मैं लगा के मिलता हूँ आपसे। ओके तो गाइस मेरे को लगता है जहाँ तक के 10 ब्लॉक्स हो गए हैं, तो एक बार वापस से सही से काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 8, 9, 10। ओके तो गाइस ये मेरे को पता चल चुका है कि ये 10 ही हैं। तो आज की इस 10 वाली गिनती को खत्म करते हैं और जल्दी से आयरन फार्म बनाते हैं। आपको अगर पूरा का पूरा आयरन फार्म बनाना है तो पूरी वीडियो देख लेना, बनाना सीख जाओगे। और बहुत इजी है आयरन फार्म, बहुत ख़तरनाक फार्म है जो हमें बहुत चीज़ें देता है। और उस फार्म को बनाने का मेरा मतलब यह है कि उस फार्म को बनाने के बाद में हमारा जो टेम्परेरी ब्लॉक्स है, जैसे कि डर्ट वगैरह, उसके बाद में हम टेम्परेरी ब्लॉक की जगह आयरन ब्लॉक से यूज़ करेंगे, इसलिए आयरन फार्म चाहिए। तो लेट्स गो, हम बनाना शुरू करते हैं। अब आपको ऐसे करना है, फर्स्ट ब्लॉक्स लेना है। रुको, मेरे पास बहुत कम ब्लॉक्स है तो मैं थोड़े कुछ और ब्लॉक्स लेता हूँ। ओके कौन सा ब्लॉक्स लूँ मैं, ओक नहीं लेना है, हाँ ये डार्क ब्लैक कंक्रीट ले लेते हैं। तो आपको ऐसे करना है, 1, 2, अब ये 3 वाले ब्लॉक्स हो गए, 3 ब्लॉक्स लगाने दें, और 4 एंड 5। आपको 5 ब्लॉक लगाने के बाद में, ओके तो 5 ब्लॉक लगाने के बाद में 5x5 का बना देना है एरिया। मैं आपको बता देता हूँ कुछ कैसे करना है, मैं थोड़ा सा एरिया कर देता हूँ, फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। और आप इस वीडियो को पूरी देखना, आयरन फार्म तो छोड़ो, आप मेरी सर्वाइवल सीरीज़ को देख के सारे फार्म बनाने सीख जाओगे। ओके तो पहले, सबसे पहले आपको बेड लेना है, और फिर जहाँ से अपन ने ये लाइन खींची 10 वाली, उसके एकदम साइड, मतलब कि उसके एकदम राइट वाली जगह पे शुरू होते ही लगा देना है बेड। और फिर उसके बाद में एक ब्लॉक छोड़ने हैं और एकदम उसके सामने ही, मतलब कि उसके उल्टी दिशा में लगा देना है 2 बेड। और अब हम जल्दी से इसके इसके और एक्सटेंशन करते हैं और मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, तो हमने एक्सटेंशन कम्प्लीट कर दिया है और अब हमें एक और बेड लगाना है, जिससे कि हमारा जो बेड विलेजर्स जहाँ पे सोएंगे वहाँ पे हो बनना शुरू हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये 3 बेड लगाने के बाद में हमें एक और बेड लगाना है, जिससे कि एक और विलेजर्स सो सके। 5 विलेजर्स काफ़ी रहेंगे। और अब हम इसे को थोड़ा सा आइलैंड को एक्सटेंशन कर देते हैं, जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ और, मतलब हम कुछ भी लगा सकते हैं, ब्लॉक्स वगैरह। ओके तो गाइस, हमें जल्दी से एक ग्लास लेना है, और ग्लास को 1 एंड 2। और अब तीसरा लगाने के बाद में,
तीसरा लगाने के बाद मैं आपको तीन तीन हाइट पूरी वॉल बना दे रही, मैं वॉल बना के मिलता हूँ आपसे। तो ओके गाइज, हमने वॉल बना दी है, अब इसके ऊपर एक और वॉल बनानी है, पर वो किसी और चीज़ की बनानी है क्योंकि वहाँ पे हमारी कोई और चीज़ आएगी। तो वॉल बनाने के पहले आपको विलेजेस डालने, मैं विलेजेस डाल के मिलता हूँ आपसे। तो गाइज, मैंने विलेजेस तो डाल दिए, और विलेजेस डालने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हॉपर लेना है, मतलब कि पहले तो आपको ऐसा कर देना है, फिर मैं बताऊंगा हॉपर वाला सिस्टम भी। ओके गाइस, हॉपर बनाने के बाद में आपको एक कोना चुनना है, उसके अंदर चेस्ट डालनी है, और उस कोने के साइड में, मैं बता देता हूँ कौन सा कोना होना चाहिए, ऐसे साइड में करने के बाद में हमें तीन ब्लॉक तोड़ने और हॉपर भी ले लेते हैं साथ ही में। ओके, तो ऐसे बनाने के बाद में अब हॉपर को चेस्ट से कलेक्ट कर रहे हैं, क्राउच होके करना, जैसे कि चेस्ट और ना खुले बल्कि हॉपर लग जाए। हॉपर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, और चेस्ट से कनेक्ट होनी चाहिए लास्ट वाला हॉपर। उसके बाद में आपको वॉल बनानी है, जो वॉल होगी वो 3 ब्लॉक की हाइट में होगी, तो मैं बना के बता देता हूँ आपको। ओके, 1, ये लाइन भरते हैं जल्दी से अब, और फिर जल्दी जल्दी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है वैसे भी। तो ओके गाइस, हमने ऐसे वॉल पूरी की पूरी पे लगा देते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। ओके, तो गाइज़ ये बन चुका है, और अब मैं इसको भी लगा के मिलता हूँ आपसे। गाइज़ मैंने इधर की 3 ब्लॉक की हाइट कर दी है, तो सबसे पहले आपको साइन लेना है, मैंने गलती से वहाँ पे लगा दिया है, आपको उसके एकदम साइड में लगाना है, वो तोड़ देते हैं और अब लगाते हैं, इधर करना है, और एक उसके सेकंड मतलब कि 3 ब्लॉक के सेकंड वाली लेयर पे लगा देना है नीचे। ये वाला भी गलत लग गया है, तो मैं सही करता हूँ और फिर बताता हूँ कैसे करना है। ओके गाइस, तो मैं इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो चेस्ट के अंदर चला गया, और चेस्ट खुलेगी नहीं। ओके गाइस, तो आपको ऐसे लगाना देना है जिससे कि, सॉरी मैं इसको भी चेंज करता हूँ क्योंकि इस वॉल्स के आगे वाटर आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लिया। ओके, तो अब जल्दी से चेंज करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया। ओके, तो गाइस मैंने ये कर लिया है, और अब देखिए कितना अच्छे से जम जा रहा है, और फिर उधर आप लावा डालेंगे, उससे पहले यहाँ पे वाटर डाल देते हैं, जिससे कि जो आयरन गोलम ऊपर स्पॉन होगा वो इधर आ जाए और इधर लावा से गिर के मर जाए। ओके, तो गाइस हम अब ऊपर जाते हैं, और फिर ओके, तो गाइज हमने कर लिया है ऐसा कुछ सिस्टम जिससे कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैंने गलती से करा है। ओके, तो गाइज आपको इधर स्लैब लगाने ताकि कोई ऊपर मॉब स्पॉन या नहीं हो। तो गाइज मैंने इस मॉब को इधर डाल दिया है, और इसको नेम टैग वगैरह वो भी दे दिए। तो गाइज आज की इस आयरन फार्म को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पे वाटर में मर गया, मैंने इसको छोड़ के चला गया था, इसलिए मेरे सारे सामान चले गए हैं, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। और वापस ग्राइंडिंग करेंगे, बूया पे लाइव स्ट्रीम करूँगा मैं इसकी, तो आपने अगर तक बूया ज्वाइन नहीं कराया तो कर लेना, मनीष गेमर सर्च करना, और एक शील्ड जैसी कुछ चीज़ रहेगी वहाँ पे लिखा हुआ होगा मनीष गेमर, और कैप्टन अमेरिका की जैसी रहेगी वैसा लोगो लगा हुआ है बूये पे, उसी बूये पे हम स्ट्रीम करेंगे। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कॉन्टेंट्स ऐसे ही अच्छे आते रहेंगे, और फार्म्स भी हम बहुत ज़्यादा बनाएंगे, और फिर बूये की स्ट्रीम को देख ही लेना, आज शाम को ही होने वाली है, एंड लेट्स गो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, तो बाय बाय, अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लेना, लेट्स गो, सी यू टुमारो।